वेलनेस टीवी के सभी दर्शकों को शालिनी का नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों, कामकाज और फिटनेस के बीच अजीब रिश्ता होता है। अगर आप फिट नहीं हैं तो आपका काम ठीक से नहीं हो पाएगा, और अगर फिटनेस के लिए समय निकाला जाए तो कामकाज प्रभावित होता है। ये दोनों काम एक साथ मैनेज करना आसान नहीं होता, खासकर तब तो ये और भी मुश्किल होता है जब आप एक पब्लिक फिगर हों। आपकी दिनचर्या आपके हाथ में ना होकर आम पब्लिक के हाथ में हो। कब, किस वक्त कौन आपके पास अपना काम लेकर आ जाएगा, ये आपको खुद नहीं पता होता। मगर मुंबई के जाने माने पॉलिटिशियन कृपाशंकर जी हर समय पब्लिक के लिए उपलब्ध रहते हुए भी ऐसे तरीके ढूंढ ही लेते हैं जिन्हें अपनाकर वो अपनी फिटनेस बरकरार रख सकें। पर वो तरीके हैं क्या? उनका खान पान कैसा रहता है? फिटनेस के बारे में उनका क्या नज़रिया है? ऐसी ही कुछ बातों की जानकारी के लिए आइए मिलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कृपाशंकर जी से। मुझे लगता है स्वस्थ रहना ही जरूरी, उसके बाद बाकी सब जरूरी होता है। अगर स्वस्थ नहीं होगा तो आदमी मतलब आगे कुछ कर भी नहीं पाएगा, चाहे वो दिनचर्या का काम हो, चाहे जिस विषय से जुड़ा हो। और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि स्वास्थ्य पे ध्यान मैं वो भी देते रहता हूँ, लेकिन समय कम मिल पाता है। सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, 5 और 5:30 के बीच में। उठने के बाद सुबह हमारे नज़दीक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का EMCA क्लब है, यहाँ पे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। सुबह वहाँ जाता हूँ, लगभग 3-3.5 किलोमीटर चलता हूँ। फिर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अगर अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो बैडमिंटन खेलता हूँ। फिर उसके बाद घर आता हूँ। घर आने के बाद थोड़ा कुछ जूस वगैरह फ्रूट वगैरह लेकर के फिर अखबार पढ़ता हूँ। और अखबार पढ़ने के बाद फिर नहा धो के तैयार होकर थोड़ी से नाश्ता वगैरह लेकर के ऑफिस बैठ जाता हूँ। फिर लोगों का काम जैसे भी रहता है, और कभी कभी तो शाम 10-11 के पहले तो कभी घर आ नहीं पाता। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो इवनिंग नहीं पूरा होता उस दिन मॉर्निंग नहीं हो पाता, यानी कभी 1:30-2 बजे आ गए तो सवेरे उठ नहीं पाता हूँ, तो गैप बहुत हो जाता है, व्यस्तताएँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह हम उठ नहीं पाएंगे, सुबह जा नहीं पाएंगे। अच्छा, सोना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन हमारी नींद जो है लगातार कई सालों से मुझे याद नहीं है कि एवरेज जो है वो 4 से 5 घंटा हो पाता है। अन्यथा मैं जब गाड़ी से चलता हूँ मुझे कार में तुरंत नींद आ जाती है। मैं टूर में हूँ, प्लेन में भी बैठूँ तो मुझे 1 घंटे, अगर 2 घंटे का मतलब यात्रा है तो 2 घंटे में 1 घंटे में सो ही लेता हूँ। सुबह एक तो पपीता लेता हूँ, उसके साथ गाजर का और कभी दूसरे एप्पल का, कभी मौसम्मी का, ऐसे जूस पी लेता हूँ। सवेरे क्लब से आता हूँ तो ये सब चीज़ें लेता हूँ। फिर नहाने के बाद थोड़ा नाश्ता में कभी रोटी सब्जी खा लेता हूँ, कभी कुछ इडली घर में बन जाती है, कभी दलिया बन जाती है, ऐसे कुछ चीज़ें मतलब चेंज होती रहती हैं। तो ज़्यादा पसंद मैं करता हूँ कि रोटी और मेथी की सब्ज़ी मिल जाए, और उसके साथ जैसा सीजन रहता है, ठंडी के सीजन छोड़ के बाकी सीजन में मैं मंठा यानी वो बटर मिल्क जो है वो 1 गिलास पीता हूँ। मैं योगा कर नहीं पाता हूँ असल में, फिर ये सब चीज़ें रह जाती हूँ। इसे इच्छा बनी हुई है, मैं चाहता हूँ कि कभी कभी मैं जब टूर पे होता हूँ या बाहर जाता हूँ तो घूमने का वो साधन नहीं मिलता, बैडमिंटन खेलने का नहीं मिलता, तो कुछ कसरत ऐसे ही जो बचपन में स्कूल में सिखाया जाता था, सूर्य नमस्कार, हाथ को लंबा करके जो एक्सरसाइज थोड़ा सा हो पाती है वो कर लेता हूँ। अदरवाइज बाकी चीज़ मुश्किल हो जाती है जब बाहर जाता हूँ। मेंटल एक्सरसाइज की एक दिमाग में बात बनी हुई है कि मैं मेंटली बड़ा ये रहता हूँ, हमेशा संतुष्ट रहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ें देखी। जब कोई आदमी अपने काम को लेकर के मेरे पास आता है तो मुझे झट से विचार आता है कि मैं भी ऐसे किसी के पास जाता था, और मुझे ये अपेक्षा होती थी कि सामने वाला मेरी बात सुन ले, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी तौर तरीके अपनाए। तो वो चीज़ें मैं कभी कोई नहीं मिलता था, कभी बात नहीं सुनता था, तो मुझे लगता था कि ये तो गलत बात है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से मिलता हूँ, सुनता हूँ, बात करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो आदमी मेरे पास जिस अपेक्षा से आया है उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए वो किया जाना चाहिए। जीवन
आदमी को जीना चाहिए, पहली बात तो जो भी काम करे खुश होके करे। आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पसंद है, जो अच्छा काम लगे, उसको आदमी को करना चाहिए। और ज़िंदगी जीने के लिए आदमी को कम से कम इतना ये होना चाहिए कि अगर हम जिस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ चलने वाले, हमसे मिलने वाले, उनकी ज़िंदगी का भी थोड़ा अनुभव हमको लेना चाहिए कि वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं। और ज़्यादा करके लोगों से अगर कोई चीज़ की जानकारी होती है, उसको अपनाने के लिए किसी की बातों को चाहे उपदेश समझ के ले, चाहे प्रेरणा समझ के ले, चाहे उसकी कई बातों को लगे कि नहीं अच्छी बात है, तो ग्रहण करना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि मतलब शरीर को एक उम्र तक आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन जब उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उसको फिटनेस के लिए योगा तो जरूर करना चाहिए, जो मैं अभी तक नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कम से कम एक्सरसाइज करनी चाहिए। और खाने का जो है, मतलब ये जितना कभी कभी आदमी भोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा ले लेता है, उससे बचना चाहिए। और फिट रहने के लिए आदमी को मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली फिट रहेगा तो मुझे लगता है शरीर का ध्यान भी उतना नहीं देगा।